नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। मथुरा के वैज्ञानिक की इंदौर में मौत, भाई ने कहा लैब ऑनर गौरव को हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले हमें डेड बॉडी मिली। किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर रेप, कानपुर के 6 महीने तक इज्जत लूटी, ब्लैकमेल कर घर से कैश मांगकर हड़पे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, सवारी बनाकर करते थे लूट। यति नरसिंहानंद की माफीनामा, कहा था पृथ्वीराज ने राजपूतों को मारा, मोहम्मद गौरी को छोड़ता रहा, क्षत्रिय समाज ने किया विरोध। बरेली में लड़की जेवर लेकर प्रेमी संग भागी, 17 साल की लड़की का चल रहा था प्रेमी के साथ अफेयर, घर से नकदी और मां के जेवर भी गायब। गोरखपुर में पिता 2 बेटियों के शव लटकते मिले, मेन गेट खुला था, सुसाइड नोट में लिखा था दोनों तोते को उड़ा देना, पुलिस ने कब्जे में लिए। सेना ने भर्ती के नाम पे 12 लाख की ठगी, मेरठ पुलिस ने पकड़ा नटवरलाल, इंटेलिजेंस जांच में जुटी आईडी कार्ड और वर्दी बरामद। अलीगढ़ में ईंट से कुचलकर बुजुर्ग की हत्या, कारसी थाना क्षेत्र के घोरा माफी की घटना है, गाली गलौच करने का बुजुर्ग ने किया था विरोध। आजमगढ़ में सीएमओ का पैथोलॉजी केंद्रों पर छापा, 17 केंद्रों पर दर्ज हुआ मुकदमा, अधिकारियों को देखते ही भागने लगे दुकानदार। प्रयागराज में डेंगू मरीजों की संख्या में कमी, 24 घंटे में एलाइजा टेस्ट में डेंगू के महज 13 नए मामले। रायबरेली में शराब ठेके के सामने मिला युवक का शव, शव के पास मिले शराब के पाउच, मरीजों में मचा हड़कंप। बलिया पहुंचे प्रख्यात चिंतक एवं राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, राष्ट्र के समक्ष चुनौती एवं समाधान विषय कार्यक्रम में देंगे व्याख्या। इटावा में सड़कों में पैच वर्क का कार्य अधूरा, 15 दिन बड़ी काम पूरा करने की मियाद, अधिकारियों के पास ना पूरे हुए काम का रिकॉर्ड। उन्नाव में भागवत कथा में पहुंचे राज्य मंत्री दानिश अंसारी, बोले सपा परिवारवादी पार्टी, मैनपुरी में होगा भाजपा की ऐतिहासिक जीत। सरकारी आंकड़ों में डेंगू हुआ बेअसर, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं बेड, वायरल फीवर के केस भी बढ़े हैं। सुल्तानपुर में करोड़ों के प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार, नगर के चौरीकरण के नए बने डिवाइडर, गाड़ी की टक्कर से टूटे, 10 दिन पूर्व बैठ गई थी सड़क। प्रतापगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, बोले नेहरू ने अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को समझा और खत्म किया। वाराणसी में डेंगू के 75 मरीज भर्ती, डेंगू में जिले में डेंगू के 272 बेड रिजर्व, डॉक्टर बोले हर 2 घंटे पर पिलाएं ओआरएस के घोल। हाथरस में सरकार के फैसलों के विरोध में हड़ताल शुरू, मंडलाध्यक्ष बोले खेतों में कटीले तारवार रोक मनमानी, शोषण नहीं होगा बर्दाश्त। देवरिया में युवती और परिजनों से मारपीट के मामले में प्रधान समेत परिजनों पर मुकदमा दर्ज, आरोपी फरार।
वर्दी के साथ दरोगों का रील वायरल, कुर्सी पर बैठकर भोजपुरी गाने का ले रहे थे मजा, बोले गश्त के दौरान मिले थे कुछ लोग। संभल में होमवर्क न करने पर छात्र की पिटाई, एक कान से सुनाई देना हुआ बंद, गंभीर हालत में मुरादाबाद रेफर। बरेली में 272 पहुंची डेंगू के मरीजों की संख्या, शहर से लेकर देहात तक मिल रहे डेंगू के मरीज, 24 घंटे में 6 नए मामले। मैनपुरी में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्रियों का किया भंडाफोड़, फैक्ट्री संचालित करते 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। पति की हत्या के आरोप में पत्नी प्रेमी के साथ गिरफ्तार, बदोही निवासी का पिडरी में मिला था शव, अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। अंबेडकर नगर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के घर किया नोटिस चस्पा, नौकरी के नाम पर ठगी करने का है आरोप। गाजियाबाद के आदर्श नगर कॉलोनी में दबंगों ने युवक की जमकर की पिटाई, पिटाई का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मजदूर का शव, शक्ति ग्रीन अपार्टमेंट में लिफ्ट की डकेटिंग में मिला है शव। राजधानी लखनऊ में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर, 48 घंटे के अंदर डेंगू से दूसरी मौत, पिछले 24 घंटे में मिले 45 नए मरीज। हरदोई में भारत जोड़ो यात्रा निकालकर कांग्रेसियों ने दिखाया दमखम, शहर में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया पैदल मार्च। अलीगढ़ में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक, चोरों ने मोबाइल की दुकान पर किया हादसा, थाना कोतवाली क्षेत्र की घटना है ये। अंबेडकर नगर में राशन कार्ड बनाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है, कार्ड बनाने के नाम पर 14 लाख रुपए निकाला। अलीगढ़ में विश्व मधुमेह दिवस का हुआ आयोजन, कार्यक्रम को चंदानिया में कोल विधायक अनिल पराशर ने फीता काटकर शिविर की शुरुआत। औरैया में लगातार बढ़ रहा है डेंगू से मरने वालों का आंकड़ा, डेंगू से मरने वालों के आंकड़ा जनपद में 7 तक पहुंचा, जिले में 150 से अधिक लोग पीड़ित। बदायूं में बाबूजी कल्याण सिंह द्वारका का किया जाएगा भूमि पूजन, कार्यक्रम में भाजपा के कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। बुलंदशहर में तैनात पीआरडी के जवान ने भर्ती कराने के नाम पर लाखों की ठगी, एसएसपी श्लोक कुमार ने दिए हैं जांच के आदेश। चंदौली में असामाजिक तत्वों ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा को किया खंडित, अनुसूचित समाज के लोगों में भारी रोष। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए सांसद अफजल अंसारी, कोर्ट के मामले में अगली तारीख 21 नवंबर की नियत। गाजियाबाद में अनतिथ बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। गोंडा में अपना दल विधायक पल्लवी पटेल का दावा, मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव में सपा की होगी जीत। हमीरपुर में राठ कोतवाली पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, अवैध गुटखा फैक्ट्री का हुआ खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार। हरदोई में नगर पालिका ने लापरवाही की हदें पार कर दी हैं, जिला अस्पताल के बाहर कूड़ा जलाकर
जिम्मेदारी से झाड़ा अपना पल्ला, चारों तरफ धुआं ही धुआं। रायबरेली में हवा में उड़ने के शौक में युवक ने कार को बना डाला हेलीकॉप्टर। उड़ान ना भर पाने के कारण युवक के सपनों को पंख नहीं लग पाए। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, गंज गुंडावार में 4 अवैध हॉस्पिटल सीज। कार्रवाई से अवैध हॉस्पिटल संचालकों में मचा हड़कंप। रायबरेली में कांग्रेस कमेटी का खुला जनसंपर्क कार्यालय, अमीन पठान ने खोला जनसंपर्क कार्यालय। मऊ में मधुमेह दिवस पर निशुल्क जांच शिविर का हुआ आयोजन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया है उद्घाटन। रायबरेली में सदर तहसील के न्यायिक कोर्ट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने कोर्ट में विचाराधीन फाइलों को फाड़ा, मौके पर पहुंची 112 पुलिस। शाहजहांपुर के बलिया में होटल में रेड कर पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया है भंडाफोड़। पुलिस ने दिन दहाड़े रेड कर लगभग एक दर्जन युवक युवतियों को पकड़ा। रायबरेली में वार्ड के आरक्षण पर आपत्ति, डीएम को दिया ज्ञापन। नगर पालिका के चुनाव में वार्ड के आरक्षण को लेकर सौंपा ज्ञापन। अमेठी में दबंगों ने बाइक सवार पर किया हमला, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल। फर्रुखाबाद में मोहन अग्रवाल के निकाय चुनाव को लेकर तूफानी तैयारियां, घर घर तक पहुंच रहा है मोहन अग्रवाल का बदलाव का नारा। हमीरपुर में भू माफियाओं से तंग परिवार ने जिलाधिकारी से की है शिकायत। पुश्तैनी जमीन पर दबंगइयों से भू माफियाओं ने किया कब्जा। रायबरेली में ट्रक और कार में भीषण हादसा हुआ है, हादसे में एक की मौत हुई, महिला समेत 4 मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में बिन बरसात अंडरपास में भरा पानी, सदर विधायक ने पानी में घुसकर जाना अव्यवस्थाओं का सच। रायबरेली में मनचले सौदों से तंग आकर बालिका ने खाया जहरीला पदार्थ, जिला अस्पताल रेफर। कानपुर पहुंची जर्मनी से आई टीम, कूड़ा निस्तारण के लिए पनकी में लगे एसटीपी प्लांट को भी देखेगी टीम। लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, स्वच्छता ग्राही कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, भारी संख्या में प्रदर्शन कर रही है महिलाएं। बुलंदशहर में जिलाधिकारी ने प्राइमरी स्कूल का किया औचक निरीक्षण, औचक निरीक्षण से मचा है हड़कंप। तीस टाइगर्स की गुर्राहट से फिर होगा स्वागत, एक साल बाद पर्यटकों के लिए खुली बहराइच की करतनिया घाट सेंचुरी। मैनपुरी में डिंपल के सामने बीजेपी के रघुराज शाह के 2 बार सपा के टिकट पर जीतकर पहुंचे लोकसभा, इस साल ज्वाइन की है भाजपा। बुजुर्ग महिला को मृत दिखाकर बंद की पेंशन, बागपत में डीएम से महिला बोली, साहब अभी मैं जिंदा हूं, मेरी पेंशन शुरू करा दो। सुल्तानपुर में पकड़ी गई तार की फर्जी कंपनी, आरके लाइट्स कंपनी का होलोग्राम लगाकर बेच रहा था तार, एफआईआर दर्ज। सिद्धार्थनगर पुलिस को दिया गया फास्ट एंड एड का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से दिया गया प्रशिक्षण।
संत कबीर नगर जेल में बंद महिला कैदियों को बांटे कपड़े, तनाव मुक्त रहने के दिए टिप्स, बच्चों को वितरित किए खिलौने। प्रयागराज में पति ने पत्नी को उठारा मौत के घाट, पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी को धारदार हथियार से मारकर किया हमला। हाथरस में बाजार से जाम से निजात दिलाने को लिए हुई है कार्रवाई, एसडीएम ने नगर पंचायत और पुलिस टीम के साथ चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। एआईएमआईएम प्रवक्ता बोले डिंपल को तीसरी बार मिलेगी हार, प्रयागराज में कहा यूपी का मुसलमान किसी भी कीमत पर सपा को माफ नहीं करेगा। जालौन में बुजुर्ग महिला की सिर कूचकर हत्या, घर में अकेली रह रही थी महिला, शव के पास मिली है शराब की बोतलें। उन्नाव में एसपी ने सदर कोतवाली का किया निरीक्षण, ज्यादातर कर्मियों के छुट्टी पर मिलने पर जताई नाराजगी, महिला हेल्प डेस्क देखी। गैस रिसाव के दोषियों पर कसा जाएगा शिकंजा, अलीगढ़ की मीट फैक्ट्री में 29 सितंबर को गैस लीक हुई थी, विशेष सचिव ने दिए हैं निर्देश। ईडी ने दोबारा मांगी मुख्तार के साले की रिमांड, आतिफ रजा उर्फ सरजिल रजा को जिला कोर्ट में किया गया पेश। मुजफ्फरनगर में तीन बच्चों की मां ने लगाई फांसी, दोस्त से फोन पर बात करने से पति ने मना किया तो उठाया बड़ा कदम। संभल में लकड़ी के खोखे में लगी भीषण आग, सामान जलकर हुआ खाक, दमकल विभाग की टीमों ने पाया आग पर काबू। मऊ डीएम ने निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण, गाय घाट पर पर्यटन विकास के लिए हो रहा है निर्माण कार्य, गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के दिए हैं निर्देश। शाहजहांपुर में युवती से गैंगरेप, चार लोगों ने कार से अपहरण कर किया दुष्कर्म, एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। फिलहाल 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों, बस इतना ही, देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।